आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक हादसे से बाल बाल बच गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से उनकी गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था कि तभी टायर फटने से गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के सुरीर इलाके का है, जहां मोहन भागवत बिल्कुल सुरक्षित है। बाद में उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठा कर रवाना कर दिया गया है। मथुरा में उनका कार्यक्रम है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत वृंदावन के पानीघाट स्थित निकुंज वन आश्रम में संत विजय कौशल महाराज के यहाँ मानसी ध्यान केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आमंत्रित थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने बताया कि भागवत दिल्ली से एक्सप्रेसवे के रास्ते वृंदावन आ रहे थे, तभी सुरीर थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी के आगे चल रहे सुरक्षा वाहन का टायर फट गया। घटना से गाड़ी डगमगा गई और मोहन भागवत की गाड़ी उससे जा टकराई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि भागवत सही सलामत उसमें सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल संघ प्रमुख पूरी तरह सुरक्षित है और वृंदावन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डालकर इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि किसी को कोई चोट नहीं आई है और भागवत अपने तय कार्यक्रम के तहत अपनी यात्रा पर चले गए हैं।